सरकार किसी की भी हो लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। मिट्टी के खनन से जुड़े इन माफियाओं का कहना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर बहन जी की सरकार में हम ये काम कर सकते हैं और IIT पास अखिलेश यादव की सरकार में काम किया जा सकता है तो फिर ये तो वैसे भी बाबा जी की सरकार है, इसमें तो हम आराम से खनन जैसा काम कर ही सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रुप की जो हर सरकार में अपना वर्चस्व बनाए रखता है। आम जुबान में इनको खनन माफिया कहा जाता है। खेत से मिट्टी चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो प्रशासन की तो क्या सरकार की आंखों में भी धूल झोंक कर अपना काम कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हमारे सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है। खनन माफियाओं की कारगुजारियों का ये नजारा उस समय हमारे सामने आया जब नेशनल हाईवे को चौड़ा किए जाने को लेकर नेशनल हाईवे द्वारा JCB और पोकलेन द्वारा मिट्टी की खुदाई का कार्य किया जा रहा था और सड़क की इस मिट्टी को पोकलेन के द्वारा सड़क से उठाकर डंपर में भरने का काम किया जा रहा था। तभी हमारे सूत्र द्वारा बताया गया कि ये मिट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर न पड़कर इस मिट्टी को चोरी से निजी प्लॉटिंग को बेचा जा रहा है। हमारी टीम द्वारा इस मिट्टी चोरी की पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया गया तो नजारा कुछ इस तरह दिखाई दिया। मिट्टी की इस कारगुजारियों की बाबत जब मौके पर मौजूद कर्मचारी से बात की गई तब वह जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। मिट्टी चोरी की ये वारदात कोई और नहीं कर रहा बल्कि यही खनन से जुड़े लोग कर रहे हैं। सड़क की मिट्टी को डंपर में भरवा कर निजी भूखंडों पर भराव के रूप में डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस ओर हाईवे अथॉरिटी और खनन विभाग कितना ध्यान दे पाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है।